हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो है विजुअलाइजेशन कैसे करें। इस पर मुझे एक्चुअली एक कमेंट आई तो मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम होती थी विजुअलाइज करने में, ऐसे ही और भी कई सारे होंगे जिन्हें प्रॉब्लम होती होगी विजुअलाइज करने में। होता क्या है ना कि जो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं जो रियलिटी नहीं है ना, और जब तक वो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब वो चीज़ नहीं है, मैं एक क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाती थी जिसमें सारा सीन बिल्कुल क्लियर आए, एकदम साफ दिखे, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाता था। उस टाइम मैंने एक प्रोसेस किया था अपने साथ, बस यूं ही एक्चुअली मैंने ट्राई करा था किसी भी आइटम को, लाइक कोई भी डिज़ाइनर चीज़ जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो, बहुत सारे पैटर्न्स हो, आप ऐसी कोई चीज़ को लीजिए। होता क्या है ना, उसमें बहुत कुछ होता है जिसे आपको नोट करना है, लाइक ध्यान देना है, उसको गेज करना है, उसको घूर घूर के उसमें देखना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन आपको उस पर ही विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। मैंने कुछ आइटम्स रखे हैं आपसे शेयर करने के लिए। एक तो देखो, मैंने एक 10 रुपीज का नोट लिया है। नोट मतलब कोई भी नोट, आप एक कोई भी नोट लीजिए। एक्चुअली इस नोट में क्या खासियत है ना, बहुत कुछ होता है जिससे आप एक्चुअली मार्क कर सकते हो, जिस पर आप ध्यान दे सकते हो, एंड देन उसे आप रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हो। रिकॉल कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपको तरीके से करना है। इस नोट में आप देखिए कितना कुछ लिखा हुआ है, कितने सारे पैटर्न्स है, कितने सारे डिजाइन है, आगे भी पीछे भी। अब क्या करना है आपको ना, इसे ध्यान से देखना है, बिल्कुल मतलब घूरना है, गेज करना है अच्छे से सारे, मतलब किस पॉइंट पे कौन से डिजाइन है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन से ब्लैक कलर के जो नंबर्स दिखते हो ना, ये सारे मैंने इसी से ही एक्चुअली विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करी थी, नोट से ही करी थी। आप एक बार में एक ही साइड को विजुअलाइज करने की स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए। एक एक चीज पर गौर कीजिए, गांधी जी पर गौर कीजिए, गांधी जी के आसपास जो लिखा है उस पर गौर कीजिए, जो ये 4 कॉर्नर में डिजाइन बने हैं, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इस पर गौर कीजिए, एंड बहुत कुछ इस नोट में है जिस पर आपको गेज करना है, ध्यान लगाना है, मतलब एक एक चीज आपको पॉइंट आउट करनी है अपने माइंड में। जब तक आपको नहीं लगता कि ये चीजें आपको याद हो गई, आप तब तक इसे ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छे से, एंड देन जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ इसका पढ़ लिया, इसको देख लिया, आपको आंखें अपनी बंद करके इन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करनी, आपने क्या क्या देखा। ये हम लोग जो तुरंत देखते हैं ना, उसको विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाता है। जो रियलिटी में हमने अभी देखा है वो आपको एक बार में एक एक चीज़ नहीं याद आएगी कि आप उस नोट में क्या क्या था, क्योंकि नोट में बहुत कुछ होता है, राइट, नोट में बहुत कुछ होता है। तो आपको धीरे धीरे ये कोशिश करनी होगी डेली प्रैक्टिस करते करते कि ये नोट आपने देख लिया, इस नोट का आप बॉर्डर लाइन देखिए कि कैसा था, उसके अंदर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए चाहे राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, कि आपने क्या क्या देखा, उसमें जो डिजिट्स थे वो कौन से नंबर्स थे, किस साइज के थे, ऊपर थे, नीचे थे, किस कॉर्नर पे थे, इस तरह की चीज़ों को आप याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नोट बहुत मुश्किल लगता है तो आप किसी भी तरह की डिज़ाइनर आइटम्स ले सकते हो, आपका पर्स, आपका आपके घर में अगर कोई कलरफुल कप्स या ग्लासेस हैं, वो सारे बुक्स की जो प्रिंटेड बुक्स और कॉपीज होते हैं उनके कवर्स, कॉपीज के कवर्स बहुत सिंपल होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो। देखो लाइक आप एक सिंपल ना, आप एक पेन से भी स्टार्ट कर सकते हो, उस पेन में देख रहे हो ना, ये ज़रा ज़रा से पैटर्न्स है, ये ज़रा ज़रा सा लिखा हुआ है, यहाँ एक बार कोड है, आप इस तरह के सिंपल छोटे छोटे चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नोट जैसी चीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है रिकॉल करने में, ऐसी स्मॉल चीज़ों से आप स्टार्ट कीजिए। जब आप इन चीज़ों को आराम से रिकॉल करना स्टार्ट कर रहे हो, विजुअलाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने एक पेन से स्टार्ट करा एंड जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये पेन हूबहू आपके सामने आना स्टार्ट हो गया, आपको सब कुछ उसका याद होना स्टार्ट हो गया, देन आप पेन से थोड़ी सी हार्ट और चीज़ पर आप आगे बढ़िए। ऐसा करते करते आप देखेंगे 21 दिन में आपका माइंड ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा विजुअलाइज करने के लिए। 21 डेज तक इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, एंड बीच बीच में आप कुछ भी, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप साथ में तो उसको कोशिश कीजिए ही विजुअलाइज करते रहने की, तो आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी कि क्या आपका विजुअलाइजेशन पावर और स्ट्रांग हो रहा है। देखो विजुअलाइज हर कोई कर सकता है, जिसका जिसका विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा स्ट्रांग है वो बहुत ही आराम से कर लेते हैं। मैंने आपको इस पर एक वीडियो दिया था कि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, ब्रेन इंटेलिजेंस जो है विजुअल ऑडियो कैनेस्थेटिक से किस तरह से सेग्रीगेट होता है। तो जो लोग विजुअलाइज करने में, जिनका इंटेलिजेंस ही विजुअलाइजेशन है, उनके लिए विजुअलाइज करना इज रियली ईजी। बट हमारे जैसे लोगों, जैसे मैं हूँ ऑडियो वाली ज़्यादा, मैं मेरा ऑडियो इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है,
उसके बाद विजुअल है एंड देन आई थिंक काइनेस्थेटिक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं स्क्रिप्टिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं करती एंड ये भी चेंज होता है बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब मुझे लिखना बहुत पसंद था बट आज के डेट पर मे बी ड्यू टू टाइम अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं लिखना विखना नहीं पसंद करती हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल ये जो लिखती हूँ स्क्रिप्टिंग मुझे नहीं करना करने का मन करता है। तो आई एम समवन जो मैं ऑडियो अफर्मेशन ज़्यादा सुनती हूँ, बट कितना भी आप कुछ सुनो विजुअलाइजेशन की जो पावर है वो और किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं आप उसको अपनी लाइफ में रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि आप जो इमेजिन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को हकीकत समझना स्टार्ट कर देता है, स्पेशली जब वो ज़्यादा एक्टिव हो, यानी कि आप जो नींद वाली हालत होती है ना सोने से पहले और उठने के बाद एकदम आपकी अभी नींद पूरी खुली ही नहीं है, अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद सी लग रही है, दैट इज़ द टाइम जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेटेड होता है। तो उस टाइम अगर आप कोई भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं तो वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है। इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली 21 दिन तक अगर आप विजुअलाइज करते रहते हो देन डेफिनेटली वो आपके दिमाग में छप जाता है एंड वो रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि ये सच है। इसीलिए विजुअलाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एवरीडे एकदम डिटो सेम विजुअलाइज करना, इट इज़ नॉट नेसेसरी। कंसेप्ट सेम होना चाहिए, रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए एग्जाम में आपको 95% मार्क्स चाहिए तो आपका कंसेप्ट यही है कि आप मुझे 95% मिला है, आगे पीछे कुछ हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा फेमिलियर आप देख सको उतना ज़्यादा देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। मेन तो कंसेप्ट से मतलब है कि मुझे 95% मिले हैं। आपके विजुअलाइजेशन में इस चीज़ पे एम्फेसिस होना चाहिए, इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आपका इंटेलिजेंस जो भी हो। तो आज से कोशिश करना स्टार्ट कीजिए, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, कोई भी रैंडम सी डिज़ाइनर चीज़ कलरफुल चीज़ को उठाकर उसको गेज कीजिए एंड देन उसको ही रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने उसकी एक एक चीज़ को रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया आपकी विजुअलाइजेशन पावर धीरे धीरे अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। ये मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये किया है। मैं नहीं हूँ विजुअलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग बट अब काफ़ी हद तक मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। जब मैं हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो चलिए इसी नोट के साथ लेती हूँ मैं आपसे विदा, मैं मधु साइनिंग ऑफ फॉर द डे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सो नमस्ते।